और उन्हें मेरी जरूरत है। पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं। आपको बता दें कि फाइनली बॉलीवुड के इस साल की सबसे पहली और बड़ी फिल्में फाइटर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर को देखने के बाद आप लोग भी कहेंगे कि इस ईयर की सबसे शानदार और बेस्ट शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर होने वाली है। और आपको बता दें कि वार और पठान का डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन फिर से साथ में आ चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फाइटर का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इस बार फिर से सिद्धार्थ आनंद पठान और वार जैसे वही ब्लॉकबस्टर फिल्म हम सबके बीच देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पर फाइटर का ट्रेलर देखने में पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नजर आ रही है। यहां पे ट्रेलर में जिस तरह से एक्शन दिखाया गया है वह बहुत ही कमाल का है और इस फिल्म का ट्रेलर देखकर ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। यहां पर दोस्तों ऋतिक रोशन फुली वही अंदाज में आ गए हैं और दोस्तों आपको बता दें कि ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण भी काफी गजब की एंट्री मारने वाली है। और दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जब जब दीपिका को अपने फिल्म में लेते हैं तभी वह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाता है। और हालांकि ऐसा जोड़ी दीपिका और ऋतिक रोशन का पहला बार इतना जबरदस्त लग रहा है और वहीं इस फिल्म फाइटर में पहली बार ऋतिक रोशन के साथ दीपिका को साथ देखेंगे। और दोस्तों यह फिल्म रिलीज होने जा रही है 26 जनवरी के मौके पर, यानी कि दोस्तों देशभक्ति का माहौल होने वाला है और फिल्म भी थोड़ा देशभक्ति से प्रेरित है। और इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग में ही रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कमाई कर जाएगी। और दोस्तों यह 2024 का सबसे बेस्ट मूवी ट्रेलर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है। तो दोस्तों आप लोग को यह फाइटर ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी तरह को फिल्मी अपडेट को देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।